How to load AI gun. तो हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ए गन है। तो इसके पार्ट्स को जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं, तवज्जो से देखें। इसके कुछ ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, चार इसके नाम हैं, तो वो भी अक्सर जो है स्टूडेंट उधर आकर भूल जाते हैं। जो चार पार्ट्स हैं इसके, वो आप देख लें। तो सबसे जो पहला है, दिस इज कॉल्ड बैरल। इसको क्या नाम देते हैं? बैरल का नाम देते हैं। ये बैरल है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड प्लंजर। इसको क्या नाम देते हैं? प्लंजर का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड बैरल, दिस इज कॉल्ड प्लंजर। ये जो प्लंजर है, ये इसके अंदर होता है, बैरल के अंदर होता है। ऐसे ये देख लें आप, समझ आ गई इस चीज़ की। अब इसी प्लंजर के ऊपर दो पार्ट्स और खड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ओ रिंग। इसको क्या नाम देते हैं? ओ रिंग का नाम देते हैं। ये जो ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपर। इसको क्या नाम देते हैं? स्टॉपर का नाम देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई इस चीज़ की। ये AI गन के पार्ट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू प्रिपेयर इट, इसको कैसे हमने तैयार करना है। ये थोड़ा सा आप देखिएगा तवज्जो के साथ। तो इससे पहले, इसको तैयार करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मैंने आपको बताया था सीमन स्ट्रा जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, उनके साइज की बेस के ऊपर हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। एक है 0.5 ml वाला और ये हमारे पास कौन सा है, 0.25 ml वाला। इस दोनों के अगर आप वो साइज में देखें तो अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इनमें क्या है, डिफरेंस है। और कलर की बेस के ऊपर भी उन्होंने इनको क्या किया, वो डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो चले मैं आपको ये बताता हूँ इसका क्या तरीकाकार है। ये जो अंदर हमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉटन प्लग। ये सीमन स्ट्रा के अंदर जो नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं बेटे, कॉटन प्लग। ये कॉटन प्लग होता है, इसकी दूसरी साइड जो होती है वो एक पाउडर के साथ सील्ड एंड होती है, जिसका नाम है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके साथ वो सील्ड होती है। आपने इस स्ट्रा को कट कहाँ से करना है, इस स्ट्रा को कहाँ से कट करना है, यस PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहां से आपने इसको क्या करना है बेटे, कट कर देना है। तो वो कट करने का क्या तरीका कार है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने क्या देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, वो आपने देख लिया। अब कट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रा कटर। इसका क्या नाम है बेटे, स्ट्रा कटर। ये इसी से अगर हम स्ट्रा को काटेंगे वो स्ट्रा सही तरीके से कटेगा और उस स्ट्रा की ये जो पोजीशन है वो भी क्या रहेगी, उसके स्ट्रक्चर वो सही मेंटेन रहेगा। अदरवाइज अगर आप कैंची से इसको काटेंगे तो उसके साथ कुरच जाएगा, ये चीज़ समझ आ गई इस चीज़ की। यानी जो इसकी शेप है वो सही तरीके से नहीं रह सकेगी, इस वजह से हमने किसके थ्रू काटना है, स्ट्रा कटर के थ्रू। अब आपने कैसे काटना है, ये आप देख रहे हैं, इसमें एक आपको होल नज़र आ रहा है, समझ आ गई। इस होल के अंदर आप ये देखें क्या करेंगे, ये स्ट्रा को इंसर्ट करते हैं हम, ये देखिएगा आप, ये हमने इंसर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू इसको प्रेस करेंगे, यहां से इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये देखिए हम इसको प्रेस करते हैं, अभी ये इसमें कट हो गया और देखिए उसकी जो शेप है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है, वो उसकी शेप क्या है बेटे, वो सही सी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसी दूसरी के साथ, कैंची के साथ, उसके साथ या सीजर के साथ हम इसको क्या करेंगे, कट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी शेप जो होगी वो सही नहीं रह सकेगी। ये चीज़ बेटा आपने देख ली। अब हम देखते हैं हमने इसको क्या करना है, कैसे जो है वो इसको प्रिपेयर करना है, इस गन को लोड कैसे करना है। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपने क्या करना है, प्लंजर जितना है प्लंजर को थोड़ा सा आपने पीछे रखना है। ये मैं आपको बताता हूँ आपने कितना पीछे रखना है। उससे पहले आप ये चीज़ देख लें, दिस इज कॉल्ड AI शीट। ये जो शीट लगाते हैं हम AI गन के ऊपर, उसका क्या नाम है, ये उस शीट का नाम है बेटे, ये उसका क्या नाम है, शीट। ये शीट जो है हम इस AI गन के ऊपर चढ़ाते हैं। इस चीज़ का बेटे आपने पहले ख्याल रखना है, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर की, ये जो दरमियान में मौजूद है चीज़, इसको नाम देते हैं बीड। इसको क्या नाम देते हैं, बीड का नाम देते हैं। इस बीड से ऊपर आपने कभी हाथ भी नहीं लगाना, भूल कर भी हाथ नहीं लगाना। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान हम जो है विजाइना के अंदर ये शीत लेकर जाते हैं, इस वजह से इसको बीड से ऊपर आपने कभी भी नहीं पकड़ना, भूल कर भी इस बीड से ऊपर आपने नहीं पकड़ना। अगर इसको इससे ऊपर हम पकड़ेंगे तो ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये कंटेमिनेशन हो जाएगी, इसमें तो क्या होगी बेटे, कंटेमिनेशन हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। आपने ये सीमन स्ट्रा को जब थाइंग कर लेनी है तो टिश्यू पेपर के साथ आपने इसको स्वैप कर लेना है, और उस करने के बाद जो ये वाला सील है PVC में बीड के नीचे हमने इसको पकड़ना है, मैंने बीड के ऊपर से नहीं पकड़ा हुआ। तो क्या करना है, इसको उल्टा नहीं करना, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा बेटे, इसके साथ यह सीमन बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो नीचे कॉटन प्लग वाली साइड है ये तो फिक्स है, ऊपर वाली जो साइड है ये क्या है, PVC वाली।
अच्छा क्या करेंगे ये देखिए, हम इसको इंसर्ट करेंगे और इसको बीड के अंदर हम क्या कर देंगे बेटे, फिक्स कर देंगे। यू कैन सी दैट, ये आप देख सकते हैं ये इसके अंदर फिक्स हो गई है। अब अगर इसको मैं यहाँ से भी पकड़ लूँ लेकिन तो ये यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, ये यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन को यहाँ से उठाना है हमने। जितना सीमन सट्रा का साइज हो उतना आपने क्या करना है, इस प्लंजर को पीछे रखना है, उतना क्या करना है पीछे रखना है। ये देखिए इतना उसका साइज था, उतना हमने क्या किया इसको, सीमन सट्रा जितना साइज है उतना हमने इसको पीछे रखा, प्लंजर को बैरल के अंदर नहीं डाला। क्या करेंगे हम अब जो है, हम इसी सीमन सट्रा को बैरल के अंदर हम डालेंगे बेटे। ठीक है बेटे, ये हम डालेंगे। जैसे ये शीत है, शीत को क्या करना है, अब इसको हमने बैरल के ऊपर चढ़ा देना है, इसको हमने बैरल के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ये बैरल के ऊपर आ जाए, अब आपने आराम से इसको क्या करना है, पकड़ के नीचे ले आना है। और ये आप देख सकते हैं बीड जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और शीत क्या है नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे आए आपने रोक देना है। जब ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ओ रिंग को लेकर आना है यहाँ पे इधर, और उसके बाद फिर किसको लेके आना है, स्टॉपर को लेके आना है। स्टॉपर जैसे ही आए तो स्टॉपर को बैरल के ऊपर लेके आना है और शीट के नीचे लेके आना है। ये देखें आप देख सकते हैं, स्टॉपर को मैंने बैरल के ऊपर लेके आया हूं और शीट के नीचे लेके आया हूं। फिर क्या करना है आपने, ओ रिंग को इसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये आपके पास जो एआई गन प्रिपेयर हो गई, आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर से हाथ नहीं लगाया, समझ आ गई इस चीज की। फिर आपने क्या करना है, जब एआई गन प्रिपेयर हो जाए एनिमल वहां पे रेस्ट्रेंड होगा, आपने क्या करना है उतनी देर के उधर जाके हैंड इंसर्ट करना है, बैक रैकिंग करनी है, बैक रैकिंग के बाद राड पास करना है, यानी यही एआई गन पास करनी है। और पास करने के बाद आपने कैसे इंसेमिनेट करना है, आपने फौरन जाके इसको प्रिक नहीं कर देना है इसे, आपने क्या करना है 1, 2, 3, 4 and 5 पांच सेकंड के अंदर आपने क्या करना है, इंसेमिनेट कर देना है। जब इंसेमिनेशन हो जाए उसके बाद यूट्रस को, बॉडी ऑफ यूट्रस में हम करते हैं ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वहां पे यूट्रस को पोलाइट तरीके से आपने क्या करना है, मसाज कर देना है। उसको क्या करना है बेटे, मसाज कर देना है। अच्छा ये एक चीज तो ये हो गई, अब मैं आपको दिखाऊं कि बैरल के अंदर क्या हो रहा होता है। हमने तो बैरल के अंदर डाल दिया था ना सीमन सट्रा को, उसको दिखाने के लिए जरा थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा। ये हमने क्या किया, इसको बैर निकाल लिया शीट को, तो आप ये देख सकते हैं ये जो बीड है इसके साथ ही क्या टच हो गई है, क्या टच हो गई है, कॉटन प्लग इधर टच हो गया। यानी क्या था हमारे पास, वो जो कॉटन प्लग था उसके अंदर गया है प्लंजर, और उसने आगे क्या कर दिया सीमन को, उसने सीमन को क्या कर दिया बेटे, आगे धकेल दिया, किसके अंदर, पुश आउट कर दिया, किसके अंदर, बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर। यहां पे भी अगर आप देखेंगे, ये देखें ये यहां पे, ये देखें ये टच हो रहा है इसको, यही अंदर यही हो रहा है। जैसे ही प्लंजर जाता है, प्लंजर किस में चला जाता है, अंदर सीमन सट्रा के अंदर, वहां से कॉटन प्लग के साथ कॉटन प्लग को पुश आउट करते हुए सीमन को किस में आके डाल देता है, बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर। तो ये जो है उसका फंक्शन है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। और दूसरा मैं आपको फिर यहाँ से बताता हूँ लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में, कि उसके ये चीजें क्लियर है ना आपको। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। दिस इज कॉल्ड कवरिंग लेदर, ये सीमन सिलेंडर के ऊपर ये जो चढ़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड कवरिंग लेदर, इसको कवरिंग लेदर का नाम देंगे बेटे। उसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड हैंडल, इसको क्या नाम देंगे, हैंडल का नाम देंगे। और हैंडल के बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड आउटर कवरिंग लॉक, इसको क्या नाम देंगे, आउटर कवरिंग लॉक का नाम देंगे। क्या नाम है, आउटर कवरिंग लॉक। तो ये जहां पर अभी मैंने हाथ टच किया हुआ, दिस इज कॉल्ड आउटर हार्ट सिलेंडर, इसको क्या नाम देंगे, आउटर हार्ट सिलेंडर का नाम देंगे। अच्छा इसके एक अंदर भी होता है, इनर वेसल भी होते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो होती है इसके अंदर, लेकिन आपको बाहर वाले इस पार्ट का नाम जो है वो आना चाहिए। ये क्या है, आउटर कवरिंग लॉक। उसके बाद दिस इज कॉल्ड लिड, इसको क्या नाम देंगे बेटे, लिड का नाम देंगे। ये कवरिंग लेदर थी। अच्छा इसमें एक ये चीज होती है, दिस इज कॉल्ड नोजल, इसको क्या नाम देते हैं, नोजल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कवरिंग लॉक है और ये लिड है, और ये जो आप जिस पोर्शन को मैंने हाथ लगाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैनिस्टर, इसको क्या नाम देंगे, कनस्तर का नाम देंगे। ये मेरे हाथ में फोरसिप है, या इसको आप स्ट्रा पिकर भी समटाइम कह देते हैं। तो ये आप सुन लें इसका तरीकाकार क्या है, आपने वैसे ही करना है, जब भी मैं आपसे वैल्यूएशन हूँ आपने क्या करना है, ऐसे ही करना है। इसको क्या करना है, कनस्तर को ऊपर आपने उठाना है, और जैसे ही आपने उठा लें उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, जैसे ही आप इसको उठा लें उसके बाद इसको क्या करना है, ऐसे टर्न कर देना है, और टर्न करने के बाद आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए ये बाहर निकला है,
इस तरीके से अगर आप इसको उठाएंगे तो ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं आएगा। आप ये देख लें, दोबारा मैंने इसको ऐसे रखा, ये देखें मैं जीत, ये टूट जाएगा लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। उसका तरीका यही है, उठाना है ऊपर, इसको टर्न करना है और ऐसे आपने बाहर निकालना है। और जो काम की चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा नोट कर लें, कभी भी ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बाहर निकाला है, आपने कनिस्टर को बाहर नहीं लेके आना। समझ आ गई इस चीज़ की, कनेस्टर को आपने बाहर नहीं लेके आना। उसकी रीज़न क्या है, बाहर का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट डिफरेंट है। जो टेम्परेचर क्या है इसके अंदर है, अंदर कौन सा टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उसकी लिक्विड नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर होता है। और आपने सीमन स्ट्रा कैसे उठाना है, ये आपके पास फोरसेप होगा, इसको लेके आए यहाँ तक ही रखें, बाहर ना निकालें। क्या करें, फोरसेप के साथ सीमन स्ट्रा को ये निकालें और साथ ही थाइंग बॉक्स पड़ा होगा उसके अंदर आपने उसको ऐसे उसमें डाल देना है। समझ आ गई इस चीज़, कभी भी इस कनेस्टर को आपने बाहर नहीं निकाल के लेके आना। समझ आ गई इस चीज़ की। तो अभी दोबारा इसको हम वापस रखते हैं, तो क्या तरीका है, वही तरीका है, इसको रखेंगे और दोबारा टर्न करेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर रख देंगे वो लिक्विड नाइट्रोजन, ये वाला सिलेंडर लेके आए बेटे मैं। तो इसके अंदर क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन देनी थी, इसके अंदर गैस नहीं थी और इसमें जो है वो गैस है, ये आप देख लें इसको, तो उसके बाद फिर आपकी क्लास जो है वो उसका टाइम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हुई कवरिंग लेदर आ गई जो उसने इसको कवर किया, ये आउटर कवरिंग लाख वही चीज़ हो गई, दिस इज कॉल्ड लिड। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटे, ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये 2 kg वाला है, यानी वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा आती है, वैसे इसके अंदर 2 लीटर जो है वो आती है। और ये देखें इसके अंदर कनेस्टर भी 6 हैं और इसके अंदर कनेस्टर कितने हैं, 3 हैं। और इसको अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये ठंडा होगा, ये हमने लिड को बाहर निकाला हुआ है, तो इसमें आप देख लें कि वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस नहीं है, इस वजह से वो वेपर्स बाहर नहीं आ रहे। लेकिन इसको अगर हम देखेंगे तो साथ ही आप ये देख लें वेपर्स बाहर आना शुरू हो गए। अभी हम अगर इसको थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा वेपर्स हैं वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ इसको भी अगर आपने निकालना तो क्या तरीका है, वही तरीका है कि आपने टर्न आउट करके उसको क्या कर लेना, निकाल लेना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सब लोगों को, तो बाकी यह है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे।